हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पावर मेड इजी की सीरीज की। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं उस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। जितने भी डिक्शनरी में और जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उनका डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी डिस्कशन को और आगे की आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप मेरा रेफरल कोड AMANT इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप 10% डिस्काउंट के साथ में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी पर कई सारे बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी पर आ रहे हैं, जैसे कि आपका है टीम फोनिक्स बैच है जो कि 26 मई से शुरू हो रहा है, साथ ही साथ सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच है आपका 26 मई से शुरू हो रहा है, संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच है आपका 26 मई से शुरू हो रहा है, इसके अलावा सफलता बैच है आपका, लास्ट माइल एसएससी मल्टीटास्किंग बैच है, एसएससी स्टेनोग्राफर बैच है, एसएससी सीपीओ बैच है, इसके साथ साथ एम एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी सीजीएल के लिए बैच हैं। इन सारे बैचेस के साथ साथ अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको एसएससी सीएचएसएल के सारे पेपर्स मिलेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, बूस्टर क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ एक साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सारी चीजें मिलती हैं आपको। इसके अलावा हर संडे को अनअकैडमी एक कॉम्बैट कंडक्ट कराता है, उस कॉम्बैट में अगर आप फर्स्ट टू थर्ड रैंक लाते हैं तो आपको कंप्लीट फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है एक साल का। अगर आप 4 to 10 रैंक लाते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिलता है, 11 to 50 रैंक लाते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलती है, और 51 to 500 रैंक लाते हैं तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है। इस टेस्ट में पार्ट लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए वो एक रेफरल कोड आपसे पूछेगा, वहां पर आपको AMANT डालना है जिसके बाद आप इसमें एनरोल कर सकेंगे। इसके साथ साथ मेरी 2 free classes अनअकैडमी पर चल रही हैं, एक दोपहर के 1 बजे चलती है और एक शाम के 5 बजे चलती है। इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप सर्च करिए @AmanTrivedi, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहां से आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा, यानी कि आज का वीडियो का PDF आपको कल मिलता है, वहीं पर आपको PDF मिलेगा, साथ ही साथ वहीं पर आपको क्लासेस की लिंक्स भी वहीं पे मिल जाते हैं। अगर Instagram पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो Instagram पे मुझे जरूर से फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। @AmanTrivedi मेरी Instagram हैंडल है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पावर मेड इजी। उसी सीरीज में पहला जो हमारा आज का टर्म है वो है कॉन्फ्लुएंस। देखिए, कॉन्फ्लुएंस में जो पहला जो CON लिखा हुआ है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर, ठीक है। CON जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है टुगेदर, और ENCE अगर किसी में लगता है तो वो हो जाता है नाउन। तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है द फैक्ट ऑफ टू और मोर थिंग्स बिकमिंग वन। अगर दो चीजें एक हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। सिनोनिम होता है आपका कंजंक्शन, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंसी, मीटिंग, और एंटोनिम हो जाता है डाइवर्जेंस। जैसे त्रिवेणी, संगम में त्रिवेणी है तो जहां पर गंगा और यमुना मिलती हैं उस पॉइंट को भी हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, क्योंकि वहां पर दो नदियां मिलकर एक हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कोलिशन वॉज नॉट रियली अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो गठबंधन था वो देयर वॉज नॉट रियली अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो कॉन्फ्लुएंस को याद रखने के लिए आप इस गाने से याद रख सकते हैं, हिमेश रेशमिया का एक बड़ा फेमस गाना था कि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर तुम और मैं अगर हम हो जाते, यानी कि कॉन्फ्लुएंस हो जाता अगर उन दोनों का तो दर्द दिलों के हिमेश रेशमिया के कम हो जाते, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला जो हमारा टर्म है वो है आपका, अगला टर्म जो है वो है हमारा कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब क्या होता है, कंजेनियल अगर किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब हो जाता है वह व्यक्ति काफी ज्यादा मित्रवत है, फ्रेंडली है, pleasing to spend time with because their interest and characters are similar to your own, यानी कि दो लोग काफी ज्यादा मित्रवत हैं, friendly हैं, क्योंकि उनके जो interest हैं वो similar हैं, उसे कहते हैं congenial person। synonym हो जाते हैं delectable, delicious, delightful, delightsome, conducive, salubrious। अगर ये किसी atmosphere के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है conducive atmosphere, बहुत ही favorable atmosphere हो जाता है। ड्रीमी, dulcet, enjoyable, felicitous, felicitous और गुड, ग्रेटफुल, gratifying, ये सारे सिनोनिम होंगे।
एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिसएग्रीएबल, प्लेजरलेस, अनपैलेटेबल, अनप्लीजेंट या फिर अनवेलकम. फॉर एग्जाम्पल, द डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अ कंजेनियल एटमोसफियर फॉर रिसर्च, यानी कि डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च के लिए एक बहुत ही कंड्यूसिव एटमोसफियर प्रोवाइड करता है, कंजेनियल एटमोसफियर प्रोवाइड करता है, सेलिब्रियस एटमोसफियर प्रोवाइड करता है. तो कंजेनियल अगर व्यक्ति के लिए आता है तो उसका मतलब हो गया कि बहुत फ्रेंडली है, और एटमोसफियर के लिए आता है तो उसका मतलब हो गया कि काफी ज्यादा फेवरेबल एटमोसफियर है आपके लिए. ठीक है, एडवर्ब क्या हो जाएगा? कंजेनियली. तो आप इसको इससे याद रख सकते हैं, ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर एस्पायरेंट्स वेब सीरीज में भी दिखाया गया है इसको. तो कंजेनियल मतलब हो जाएगा जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर प्रोवाइड्स कंजेनियल एटमोसफियर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. यूपीएससी की तैयारी के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर एक कंजेनियल एटमोसफियर को प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसके अलावा अगला जो टर्म है वो इसी से मिलता जुलता होमोफोन है इसका, उसे कहते हैं कंजेनिटल. कंजेनिटल, जेनिटल का मतलब होता है ऐसे अंग जो कि आपके रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें जेनिटल्स कहते हैं. तो वहीं से टर्म आ गया कंजेनिटल. कंजेनिटल मतलब हो गया एग्जिस्टिंग सिंस बर्थ और बिफोर बर्थ, जो चीजें जन्म से होती हैं उसे कहते हैं कंजेनिटल. सिनोनिम हो जाता है बॉर्न या फिर नेचुरल, और एंटोनिम हो जाएगा नॉन नेचुरल. ठीक, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जॉन वॉज 17 ही डाइड ऑफ कंजेनिटल हर्ट डिसीज, यानी कि जब जॉन सिर्फ 17 साल का था तो वो एक जन्मजात हर्ट डिसीज से उसकी मृत्यु हो गई. तो कंजेनिटल मतलब हो गया समथिंग विच इज रिलेटेड टू बर्थ या विच इज सिंस बर्थ, बचपन से ही अगर कुछ है तो उसे कंजेनिटल कहते हैं. और एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना मैंने बहुत बार आपको बताया, अगर ly आप लगा दोगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा. तो कंजेनिटली इज द एडवर्ब ऑफ दिस टर्म. ठीक है, तो कंजेनिटल इसको याद रख सकते हैं कि घुरी वॉज पार्शली डेफ कंजेनिटली. ये आखिरी एपिसोड में जब वो लड़ते हैं, तो जब फोर्थ एपिसोड में लड़ाई होती है उनकी, तो मालूम पड़ता है कि क्या एक्चुअली में इशू था. तो घुरी वॉज पार्शली डेफ कंजेनिटली, यानी कि जन्मजात रूप से वो पार्शली डेफ था. ठीक है, अगला टर्म हमारा क्या है आपका? अगला है, जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके लिए स्पॉइलर हो गया होगा ये, मैंने नहीं सोचा पहले, नहीं तो मैं ऐसे नहीं लगाता. चलिए, अगला टर्म है कंजेक्चर. कंजेक्चर का मतलब क्या होता है आपका? एन ओपिनियन और आइडिया दैट इज नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेट नॉलेज एंड इज फॉर्म्ड बाय गेसिंग. जैसे हम लोग पढ़ते थे ना कि रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, या फिर हमने किसी का जो ये एटम के मॉडल पढ़ते, तो ये क्या होते थे? उनकी कंजेक्चर ही तो होता था, उनकी परिकल्पना ही तो होती थी. तो कंजेक्चर मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है, किसी की. तो गेस हो गया शॉर्ट, सपोजिशन, सरमाइज, यानी कि एक आपकी फैंटेसी, आपकी इमेजिनेशन है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा 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 होगा, तो दैट इज कॉल्ड कंजेक्चर. ठीक है, फॉर एग्जांपल, दैट वाज अ कंजेक्चर नॉट अ फैक्ट. वो कंजेक्चर था, इट वाज नॉट अ फैक्ट. ठीक है, तो आपको याद होगा ये वासेपुर का ये सीन जिसमें वो, इट वॉज द कंजेक्चर ऑफ सरदार खान दैट ही विल स्नैच एवरीथिंग फ्रॉम रामाधीर सिंह. ये रामा, उसका, उसकी एक परिकल्पना थी, उसकी एक, उसके इमेजिनेशन थी कि वो रामाधीर सिंह से सब कुछ छीन लेगा. ठीक है, तो कंजेक्चर परिकल्पना को हम कहते हैं. ठीक, अगला टर्म हमारा है आपका कंज्यूर. कंज्यूर क्या हो जाता है आपका? टू डू क्लेवर ट्रिक्स सच एज माय मेकिंग थिंग्स सीम टू अपीयर और डिसअपीयर एज मैजिक, बेसिकली एज इफ बाय मैजिक. तो जादू से चीजों को गायब करना, जादू से चीजों को लगाना, दैट इज कॉल्ड कंज्यूरिंग. कंज्यूरिंग एक मूवी भी है, हॉरर मूवी है, तो उसमें क्या है, मतलब मैजिक दिखा रहे हैं एक तरीके से, हॉरर फिल्म है, तो कंज्यूरिंग उसमें दिखाते हैं. कंज्योर करना मतलब हो जाता है जादू वगैरह करना, उसी सेंस में आएगा. ठीक, सिनोनिम हो जाएंगे अपील टू, बैग, बिसीज, बिसीज, एंट्रीट, एम्पिट्रेट, एम्प्लोर, इम्पोर्च्यून, पेटिशन, प्लीड टू, प्रे, सॉलिसिट, सप्लीकेट. और हर ग्रैंडफादर टॉट हर टू कंज्यूर, यानी कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे कंज्यूरिंग करना सिखाया, यानी कि बेसिकली आत्माओं को बुलाना सिखाया. ठीक है, तो ये गलती से दोबारा स्लाइड लग गई. अगला है कोनोसर. कोनोसर, कोनोसर का मतलब हो जाता है आपका एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंट ऑफ ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड एंड म्यूजिक. आर्ट, फूड या फिर म्यूजिक में कला का पारखी होना क्या कहलाता है आपका? कोनोसर. ठीक है, सो कोनोसर का मतलब हो गया जो कला का पारखी है, जो कला का जो एक्सपर्ट है, मैटर्स ऑफ इन्वॉल्विंग द जजमेंट ऑफ ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक, इज कॉल्ड कोनोसर. ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे कॉग्नोसेंट, कॉग्नोसेंट, डिलेटांटे, एस, अडेप्ट, एक्सपर्ट, मैस्ट्रो, मैवेन, मैस्टर. एंटोनिम हो जाएंगे एमेच्योर, इनएक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट विल बी द
correct antonym of the term. Sara tells me you are something of an art connoisseur. यानी कि सारा कहती है कि you आप एक art connoisseur यानी कि कला के पारखी हो. तो connoisseur का मतलब हो जाता है पारखी होना किसी चीज का. So अब इस पे मेरे पे offend मत होना. मैंने सिर्फ एक प्रतीकात्मक रूप से कहने करण जौहर की पिक्चर लगा दी. काफी शोज में एज अ जज काम करते हैं इसलिए मैंने लगा दिया. तो connoisseur मतलब हो गया कला का पारखी होना. एंड ही इज जज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स. डांस शो में बैठ जाते हैं ये, इंडियाज गॉट टैलेंट में भी बैठ जाते हैं, अलग अलग शोज में बैठ जाते हैं. तो कोनोसार मतलब हो गया आपका जो कला का पारखी है. ठीक. और कोनोसार से करण जौहर हल्का हल्का मैच कर रहा होगा तो उसको भी याद रख सकते हो. अगला टर्म होता है कॉन्सिक्रेट. कॉन्सिक्रेट देखिए इसमें दो टर्म है. कॉन मतलब टुगेदर, सिक्रेट मतलब होता है किसी चीज को पवित्र करना. तो कॉन्सिक्रेट मतलब हो गया टू स्टेट ऑफिशियली इन अ रिलीजियस सेरेमनी दैट समथिंग इज होली एंड कैन बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस. यानी किसी चीज को पवित्र करने के सेंस में आता है कॉन्सिक्रेट. ठीक. मतलब और ऑफिशियली ये डिक्लेयर करना कि कुछ रिलीजियस जो है उसे रिलीजियस पर्पस से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो पवित्र है. सिनोनिम हो जाएंगे एलोकेट, डेडिकेट, डिवोट, ईयरमार्क, गिव अप टू, रिजर्व, सेव, सेट बाय, ये सारे इसके सिनोनिम्स रहेंगे. द चर्च वॉज कॉन्सिक्रेटेड इन 1853. यानी कि 1853 में चर्च को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि वो चर्च है. ठीक है. तो कंसिक्रेटर इसका नाउन हो जाएगा. अगला टर्म हमारा है कंसेंसस. कंसेंसस कंसेंसस का मतलब हो जाता है एन ओपिनियन दैट ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप अग्री विद. एक ओपिनियन जिसमें सारे मेंबर्स ऑफ ग्रुप हैं वो एग्री करते हैं, सहमत होते हैं, जिसे आम सहमति कहा जाता है, उसे हम कंसेंसस कहते हैं. सिनोनिम हो जाएगा अकॉर्ड, अग्रीमेंट, कॉन्करेंस, कॉन्करेंसी, एनानिमिटी, यूनिसन. और एंटोनिम हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, डिसेंसस. ठीक है. द टू पार्टीज हैव रीच्ड अ कंसेंसस. यानी कि दो पार्टी एक आम सहमति पर पहुंच गई हैं. तो कंसेंसस मतलब हो गया आम सहमति. ठीक. इसको जरूर से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. डेली लाइफ में आप इसे न्यूज में सुनते रहते होंगे, अखबारों में देखते रहते होंगे. अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइएगा, कमेंट करे भी मत जाइएगा. कमेंट में आप कुछ भी लिखिए, आप सिर्फ अटेंडेंट लिख सकते हैं अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो. साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर जरूर कीजिए जिससे कि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसकी मदद मिले और उन्हें भी इससे वोकैबुलरी समझ में आए. देखिए ये पूरी सीरीज जो मैं तैयार कर रहा हूँ इट कैन बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. बहुत ज़्यादा इस तरह यूजफुल हो सकती है आप लोगों के लिए अगर आप इसे कंप्लीट करने में थोड़ी सी मेरी मदद करेंगे और अगर आप इसे थोड़ा शेयर करेंगे जिससे कि हम एटलीस्ट एक अच्छी खासी अमाउंट तक तो आम ऑडियंस तक तो पहुँच ही सकें. ठीक है. अगला टर्म हमारा होता है कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट आप सभी लोग जानते हैं, वाउल्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में और हमारे कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं. ये बात ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ाबेट इज द टर्म, अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होता है. अल्फ़ाबेट मतलब हमें 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं. ए ई आई ओ यू वाउल्स हैं और बाकी आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं. तो इसको आप सभी को पता है. चलिए अगला टर्म हमारा है नेक्स्ट टर्म इज आपका कॉन्स्ट्रू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ समथिंग. किसी चीज की मीनिंग को समझना. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, सेंटेंस और एक्शन इन अ पर्टिकुलर वे. किसी की मीनिंग को समझना, किसी की मीनिंग को समझने को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रू करना. सिनोनिम हो जाएंगे क्लैरिफाई करना, क्लियर अप करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमिस्टिफाइंग, एलुसिडेट, एक्सप्लेन, एक्सप्लिकेट, एक्सपाउंड, गेट अक्रॉस, एल्यूमिनेट, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, सिंप्लीफाई, स्पेल आउट या अनरिडल. और एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर यानी कि जो क्लियर नहीं है. सो डिफरेंट लॉयर्स में कॉन्स्ट्रू द सेम लॉ डिफरेंटली. यानी कि अलग अलग लॉयर्स एक ही लॉ को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो उसे कहते हैं कॉन्स्ट्रू करना यानी कि समझना किसी चीज को. ठीक है. तो कॉन्स्ट्रू यानी कि ट्राई टू कॉन्स्ट्रू द मीनिंग, आप इसको समझ सकते हो. इस मीन्स के थ्रू आप इसे याद रख सकते हो. कॉन्स्ट्रू मतलब होता है किसी बात को समझना, किसी सेंटेंस के मीनिंग को समझना, वर्ड के मीनिंग को समझना, इस कॉन्स्ट्रू करना. ठीक है. अगला टर्म है कॉन्जुमेट. कॉन्जुमेट का मतलब होता है, दो अर्थ हैं इसके. एक अर्थ होता है शोइंग ग्रेट स्किल, परफेक्ट ग्रेट स्किल या फिर परफेक्ट, एक तो ये सेंस हो जाता है. दूसरा मतलब हो जाता है किसी चीज को कंप्लीट करना. टू कंप्लीट अ मैरिज बाय हैविंग सेक्स इज आल्सो कॉल्ड कॉन्जुमेशन.
ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा अकम्प्लिस्ड, एस, अडेप्ट, कंप्लीट, कंप्लीट, क्रैक, क्रैकर जैक, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट, गुड, ग्रेट, मास्टर, मास्टरफुल, मास्टरली, ये सारे सिनोनिम हैं। साथ ही साथ एंटोनिम हो जाएगा एमेच्योर, एमेच्योरिश, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपर्ट, जैकलैग, अनप्रोफेशनल, अनसीजनड, अनस्किल्ड या फिर अनस्किलफुल भी इसके एंटोनिम हो जाएंगे, जो कि उतना एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हो जाता है ही एक्टेड द पार्ट विद कंज्यूमेट स्किल, यानी कि बहुत ही अच्छी निपुणता के साथ, एक्सपर्टनेस के साथ, स्किल्ड के साथ में, डेक्सटेरिटी के साथ में, अडेप्टनेस के साथ में उसने किसी काम को किया। ठीक, चलिए अगला टर्म हमारा होता है आपका कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब जाता है लाइकली टू कॉज पीपल टू, एक था कंसेंसस, कंसेंसस मतलब जहां पे लोगों की सहमति हो, और कंटेंशियस मतलब हो जाता है लाइकली टू कॉज पीपल टू डिसएग्री, यानी कि जिसमें लोग डिसएग्री करेंगे, विवादास्पद बिंदु हो, ऐसा बिंदु इशू हो जिसमें लोग डिसएग्री करें और जल्दी ही उस पर नाराज हो जाएं। सिनोनिम हो जाएगा एग्रेसिव, एग्नोस्टिक, आर्गुमेंटेटिव, असॉल्टिव, बेलिकोस, बेलिग्रेंट, ब्रॉली, चिपी, कॉम्बैटिव, कॉन्फ्रंटेशनल, डिस्कॉर्डेंट, डिस्प्यूटेशियस, फीस्टी। और एंटोनिम इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, नॉन एग्रेसिव, नॉन बेलिग्रेंट, पैसिफिक है, पीसेबल है, जो शांति की बात करता है, पीसफुल, अनबेलिग्रेंट, अनकॉम्बैटिव, अनकंटेंशियस। ठीक, तो कंटेंशियस मतलब हो गया जो काफी ज्यादा विवादास्पद हो सकता है, लोग जिसपे डिसएग्री करेंगे ही करेंगे। बोथ व्यूज आर हाईली कंटेंशियस। ठीक है, कंटेंशियस के एग्जांपल आप याद रख सकते हो, एनी कमेंट ऑन रिलीजियस मैटर्स इज कंटेंशियस, यानी कि रिलीजियस मैटर्स पे अगर आप कोई भी कमेंट करते हो तो इट इज अ कंटेंशियस, यानी कि पीपल आर लाइकली टू डिसएग्री ऑन दैट एंड पीपल आर लाइकली टू गेट एनरेज्ड ऑन दैट। ठीक है, अगला है कंटिगुअस। कंटिगुअस क्या हो जाता है, टचिंग और नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि जैसे आपको ये इमेज दिख रही होगी, इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बहुत पास पास में हैं, तो उसी को कहते हैं कंटेंजियस, कंटिग्यूस, यानी कि पास पास में होना, टचिंग और नेक्स्ट टू ईच अदर। सिनोनिम हो जाएंगे अबटिंग, एडजेसेंट, एडजॉइनिंग, बॉर्डरिंग और कंटर्मिनस, फ्लैंकिंग, फ्लश, फ्रिंजिंग, ज्वाइनिंग, जक्स्टापोज्ड। जक्स्टापोज्ड मतलब होता है एक के पीछे एक रख देना, नेबरिंग, स्कर्टिंग, टचिंग और वर्जिंग। एडजेक्टिव एंटोनिम हो जाएगा नॉन एडजेसेंट, नॉन कंटिग्यूस विल बी द करेक्ट एंटोनिम। इंग्लैंड इज कंटिग्यूस विद वेल्स, यानी कि इंग्लैंड वेल्स के जस्ट बगल में है, तो कंटिग्यूस एडजेसेंट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कतई बगल में होना, कतई एकदम टच करके होना। ठीक, अगला टर्म हमारा है आपका कॉन्टिंजेंट। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट के दो अर्थ होते हैं। कंटिंजेंट एडजेक्टिव है, मीनिंग होता है पॉसिबल बट नॉट सर्टेन टू अकर। पॉसिबल है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हो, यानी किसी कंडीशन पे बेस्ड हो कि अगर ऐसा हुआ तो ही ऐसा होगा। दूसरा कंटिंजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल एट अ मीटिंग और इवेंट, कहीं पर जो ग्रुप ऑफ लोग जो मिलने जा रहे हैं उसे भी कंटिंजेंट कहते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए अमेरिका से या किसी भी कंट्री से कोई एक सामान, बहुत सारा सामान आ रहा है, तो उसे भी हम कहते हैं कंटिंजेंट आ गया वहां से, यानी कि जो सामान है पूरा वो आ गया है। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके कंडीशनल, डिपेंडेंट, सब्जेक्टिव, टेंटेटिव, एंटोनिम हो जाएंगे इनडिपेंडेंट, अनकंडीशनल। So our success is contingent upon your continued help. अगर आप continuous help करते रहेंगे तो हमारी सफलता हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगी, यानी कि हमारी सफलता निर्भर करती है आपकी continued help पे। तो contingent का मतलब हो गया जो आपकी किसी बात पर निर्भर करे। So for example आपको याद होगा इस scene में जब वासेपुर की जेल में जब ये सरदार खान और इनके भैया चले जाते हैं असगर, तो इनकी जो जो जेल से बाहर निकलने का प्लान होता है वो पूरा का पूरा एक बम पे बेस्ड होता है, जो देसी बम बम के अंदर, जेल के अंदर बनाते हैं। तो एस्केप ऑफ सरदार खान वाज कंटिंजेंट अपॉन द बॉम्ब दे मेक इन जेल, यानी कि जो जेल में जो उन्होंने बम बनाया था उसी पर पूरी कंटिंजेंट था, यानी कि उसी पर पूरी तरीके से वो निर्भर था। तो कंटिंजेंट का मतलब हो जाता है निर्भर होना। ठीक, अगला टर्म होता है हमारा कंट्राइट। कॉन्ट्राइट मतलब हो जाता है टू बी वेरी सॉरी फॉर समथिंग बैड, किसी बात के लिए बहुत सॉरी फील करना, बहुत ही क्षमाशील फील करना, इज कॉल्ड कॉन्ट्राइट दैट यू हैव डन। सिनोनिम हो जाएंगे अपोलोजेटिक, कंपंक्शन, पेनिटेंट, रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, रिपेंटेंट होना, रियूफुल होना, सॉरी होना। एंटोनिम हो जाएगा इम पेनिटेंट, रिमोर्सफुल, अनअपोलोजेटिक,
unrepentant is the antonym. For example, she was contrite the morning after her angry outburst. यानी कि जब वो उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसके बाद she was very contrite, यानी कि she was very बहुत ही ज़्यादा क्षमाशील थी और क्षमा मांगना चाहती थी. अच्छा, पिछले क्वेश्चन पिछला जो वर्ड था वो था कंटिंजेंट. उसी का नाउन होता है कंटिंजेंसी. कंटिंजेंसी फंड मतलब होता है जो इमरजेंसी के लिए फंड रखा गया. तो आपको याद होगा भी हाल की कल की घटना है जहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक लड़के को इन्होंने डीएम साहब ने थप्पड़ मार दिया और उस थप्पड़ मारने की जब वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब ने क्षमा भी मांगी. तो आईएएस ऑफिसर लुक्ड कंट्राइट आफ्टर द वीडियो वेंट वायरल. जब वीडियो वायरल हो गया तो आईएएस ऑफिसर काफ़ी ज़्यादा क्षमाशील दिख रहे थे, कंट्राइट दिख रहे थे, अपोलोजेटिक दिख रहे थे. तो कंट्राइट मतलब हो गया टू लुक अपोलोजेटिक, क्षमाशील दिखना. अगला टर्म हमारा है कंट्राइव. वो था कंट्राइट, ये है कंट्राइव, सिर्फ वी का फर्क है टी की जगह. तो मतलब हो जाता है टू मैनेज टू डू समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, मुश्किल समस्याओं के बावजूद किसी काम को करना, क्या कहलाता है कंट्राइव. सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्कॉन्ट, कॉन्स्ट्रक्ट, लुकोकअप, डिवाइस या फैब्रिकेट. शी कंट्राइव टू स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स विद हिम एवरी संडे इवनिंग. हर संडे इवनिंग को उसने मैनेज किया कैसे भी उसके साथ में समय निकालना. तो कंट्राइव मतलब होता है मैनेज करना डिस्पाइट सम डिफिकल्टीज. ठीक है, सो आईएएस जो अभिलाष था इन एस्पायरेंट्स वेब सीरीज, अभिलाष कंट्राइव टू क्लियर यूपीएससी डिस्पाइट ऑल ऑड्स. यानी कि ही मैनेज टू क्लियर यूपीएससी डिस्पाइट ऑल ऑड्स, किसी भी तरीके से वो यूपीएससी क्लियर करने में सक्षम रहा. तो कंट्राइव मतलब टू मैनेज टू डू समथिंग डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज. ठीक, अगला टर्म हमारा होता है आपका कन्वेंशनल. कन्वेंशनल का मतलब हो जाता है जो ट्रेडिशनल है, कन्वेंशन के आधार पे पारंपरिक है. टेंडिंग टू फॉलो व्हाट इज डन और कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी इन जनरल. यानी कि वो करना जो कि सोसाइटी के द्वारा इन जनरल एक्सेप्टेबल है, इन जनरल एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल. सिनोनिम हो जाते हैं करंट, कस्टमरी, गोइंग, पॉपुलर, प्रिवेलिंग, प्रिवेलेंट, स्टैंडर्ड, स्टॉक, यूजुअल. एंटोनिम हो जाएगा नॉन स्टैंडर्ड, अनकन्वेंशनल, अनपॉपुलर या फिर अनयूजुअल. ठीक है, फॉर एग्जांपल द चेयरमैन मेड अ फ्यू कन्वेंशनल रिमार्क्स. चेयरमैन ने कुछ कन्वेंशनल रिमार्क्स किए. ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा कन्वेंशनली. तो कन्वेंशनल मतलब हो गया जो पारंपरिक है और नाउन हो जाएगा कन्वेंशनलिज्म. अगला टर्म हमारा है कन्वाइबल, कन्विवियल. कन्विवियल मतलब हो जाता है चीयरफुल एंड फ्रेंडली इन एटमॉस्फेयर और कैरेक्टर. तो कन्विवियल मतलब हो गया जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में है, जैसे कंजीनियल पढ़ा था उसी तरीके से कन्विवियल है, मतलब हो गया जो फ्रेंडली है पर्सन या फिर एटमॉस्फेयर. ठीक है, फेवरेबल है, वही सेंस में आता है. चलिए, सिनोनिम हो जाएगा हमारा बून, क्लकेबल, क्लबी या फिर आपका कंपेनिएबल, एक्सट्रोवर्टेड, ग्रिगेरियस, आउटगोइंग, सोशेबल, सोशल या फिर आपका हो जाता है सोशल हो जाएगा. इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, तो एंटोनिम हो जाएगा एंटी सोशल, इनसोशल, इंट्रोवर्टेड, नॉन ग्रिगेरियस, रेक्लूसिव, अनसोशियबल, अनसोशल, इसके एंटोनिम हो जाएंगे. कन्वाइवियल मतलब हो गया फ्रेंडली है, सोशल है. द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट कन्वाइवियल, यानी काफी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था. ठीक है, तो कन्वाइवियल के लिए आप टर्म याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका शो है बहुत ही मतलब काफी ज्यादा फेमस शो है. तो कन्वाइवियल मतलब हो गया फ्रेंडली. ठीक है, अगला टर्म हमारा होता है आपका कॉपियस. कॉपियस का मतलब हो जाता है इन लार्ज अमाउंट्स, बहुत अधिक मात्रा में. कॉपियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम. देखो, एक चीज मैं अभी तक जितने भी टर्म बताए हैं मैं बहुत ही ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से, कि मैं आप सभी की पिछले 2017 से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, 2017 से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और 17 से अभी तक 21 तक मुझे 4 साल हो गया पढ़ाते हुए, और इन 4 सालों में मैंने जितने भी वर्ड्स पढ़ाए हैं और मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ आपको पूरी तरीके से, ये सारे एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं.
ठीक है, मैंने कभी भी खुद से ये किताब की डिक्शनरी जो पीछे वाली है वो मैंने कभी खुद से याद नहीं की थी, मैंने अलग अलग सोर्सेज से वोकैबुलरी याद की, इससे नहीं याद की थी, लेकिन आप लोगों ने डिमांड किया तो मैंने ये बनाना शुरू किया। और जब मैं बना रहा हूँ और जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक एक वर्ड, ऐसा कोई शब्द अभी तक मुझे बहुत इररिलेवेंट नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि इसको कभी एग्जाम में पूछा ना गया हो, सारे के सारे टर्म एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एक एक शब्द पूछा जा चुका है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और अगर आप नहीं मानते तो आप इसको याद कीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और देखिए क्या आपके ये शब्द नहीं मिल रहे हैं आपको वहाँ पे, सारे के सारे शब्द आपको मिलेंगे। कॉपियस का सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, गैलोर, ग्लशिंग, लैविश, प्रोफ्यूज, राइटस, अबंडेंट, प्रोलिफिक, बाउंटीफुल, प्लेंटियस, एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जरियंट, फीकेंट, एडिक्वेट। और एंटोनिम इसका हो जाता है ड्रिबलिंग, ट्रिकिंग, मियागर, निगार्डली, स्कैंट, स्पार्स, स्टिंजी, डेफिशिएंट, इनएफिशिएंट और लैकिंग। तो कॉपियस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ही ड्रैंक कॉपियस अमाउंट ऑफ बियर, उसने काफी अच्छी खासी अमाउंट में बियर पी रखी थी। तो एडवर्ब हो जाएगा कॉपियसली, तो ये बहुत ही एग्जाम्पल है, मतलब इसका याद रख सकते हो। देयर वर कॉपियस अमाउंट ऑफ कस वर्ड्स इन वासेपुर फ्रेंचाइज, तो वासेपुर पार्ट वन पार्ट टू दोनों मिला के बहुत ज्यादा गालियां, तो देयर इज प्रोफ्यूज अमाउंट ऑफ कस वर्ड्स या फिर कॉपियस अमाउंट ऑफ वर्ड कस वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा। इसी तरीके से आगे भी और भी वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8299117042, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। PDF के लिए व्हाट्सएप मत करिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आज ये वीडियो आएगा तो अब आज जो वीडियो मिलेगी PDF मिलेगी वो पिछले वीडियो की मिलेगी आपको, जो कल वीडियो आएगा तब आपको आज के वीडियो की PDF मिलेगी, तो एक दिन डिले आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आगे और भी चीज़ें मैं इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ, अगर आप इस चैनल को और ग्रो कराएंगे तो और भी बेहतर चीज़ें आ पाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अटेंडेड जरूर लिखिए। ठीक है, तो और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर जुड़िए, यानी कि इंस्टाग्राम पे जुड़िए, @AmanTrivedi सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।